हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही खास टॉपिक है। इसका खास होने का एक रीजन भी है, क्योंकि ये टॉपिक पहले तो आपके पूरे कॉमर्स करियर में आपके साथ रहने वाला है। ये टॉपिक आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप ट्वेल्थ करें, आप बीकॉम करें, आप बीबीए करें, आप सीए करें, कहीं पे भी जाए, आप कोई भी कॉमर्स की डिग्री लेंगे, बेसिक्स लेवल पे ये टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। दैट इज द रीजन दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? सो मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक चालू करने वाला हूं, और मैं चाहूंगा आप लोग सब इस टॉपिक पे अपना पूरा का पूरा ध्यान दें। इस टॉपिक को मैंने कुछ वीडियोस में डिवाइड किया है, क्योंकि बड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसको एक सिंगल वीडियो में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। सो आज जो मेरा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, दैट वुड बी ऑल अबाउट शेयर कैपिटल। इसको अलग अलग नाम से आपकी बुक्स में दिया होगा, किसी बुक्स में इसको कंपनी अकाउंट्स कहा होगा, किसी में इसको शेयर कैपिटल कहा होगा, हर किसी की जगह अलग अलग नामों से इनको बताया गया होगा। बट इट्स ओके एंड फाइन, राइट? इट्स पॉसिबल कि आपको अलग अलग नाम दिए जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के, बट डजंट मैटर्स, ओके? उससे कोई लंबा फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर का कॉन्टेंट वही रहना है, दैट इज ऑल अबाउट शेयर कैपिटल, ठीक है? आज अब जब हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं, हम एक बड़ी कंपनी के व्यू से इसको बात करेंगे, तो मैं आपको बड़ा एक स्टोरी लाइन के फॉर्मेट में जाके चैप्टर सिखाना चाहूंगा। ये मेरा पहला वीडियो इस चैप्टर का, इसका सेकंड थर्ड वीडियो भी होगा, जिसके अंदर मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के डिटेल्ड क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ। मतलब थोड़े से हाई लेवल के, टफ लेवल के क्वेश्चन बताने वाला हूँ। पहला चैप्टर जो होगा बड़ा बेसिक होगा, वो बहुत सिंपल, बहुत बेसिक होगा, जहां पर आपको इतना जोर नहीं पड़ेगा, बट आगे वाले टॉपिक में आपको जोर पड़ सकता है। इसलिए मैं खाली इतना ही कहना चाहूंगा, भैया यहाँ फोकस करते रहना, खाली यहाँ ध्यान देते रहना, बड़ा ही मजा आता रहेगा, ठीक है? चलिए, हाँ। सो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज बेसिकली शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल होता क्या है, राइट? देखो, हर चैप्टर के नाम में ही उस चैप्टर का पूरा मीनिंग, पूरा सेंस, पूरा डिटेल वर्जन छुपा होता है। वैसे शेयर कैपिटल के अंदर दो वर्ड्स आते हैं। पहला वर्ड होता है कैपिटल, व्हाट वी मीन बाय दिस वर्ड कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है ओनर्स फंड, द वर्ड कैपिटल मीन्स ओनर्स फंड। जबकि जो पहला वर्ड है शेयर या शेयर्ड, ये शेयर वर्ड क्या कहता है, ये कहता है स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ अ लार्ज कैपिटल ऑफ अ कंपनी। मतलब एक कंपनी के, एक बड़ी कंपनी के बहुत बड़े कैपिटल के छोटे से हिस्से को कहा जाता है शेयर। एक कंपनी के बहुत बड़े कैपिटल के छोटे से हिस्से को कहा जाएगा शेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी कंपनी का कैपिटल है 100 करोड़ का, राइट? इस 100 करोड़ के कैपिटल को मैंने 10 करोड़ शेयर में डिवाइड किया, तो एक शेयर हो जाएगा 10 रुपए का, राइट? तो देखो, इतने बड़े कैपिटल के एक छोटे से हिस्से को कहा जाता है शेयर। इतने बड़े कैपिटल के मींस स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ अ लार्ज कैपिटल ऑफ अ कंपनी, हम उसको बोलेंगे शेयर। उसे क्या कहा जाएगा, शेयर्स, याद रहेगा। सो शेयर्स का मीनिंग क्या हो गया, एक बड़े सारे कैपिटल के छोटे से हिस्से को कहा जाता है शेयर्स। मतलब एक सिंपल सी बात समझो, एक कंपनी को जब भी बड़ा पैसा चाहिए, कंपनी पूरा पैसा खुद प्राइवेट हैंड्स पे से नहीं ला पाती, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, तो कंपनी क्या करती है, उनको शेयर्स में कन्वर्ट करके मार्केट में इश्यू करती है। उसे इनिशियली कहा जाता है IPO, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी नए नए शेयर्स को मार्केट में जब इशू करती है, उसे कहा जाएगा IPO, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या करता है, ये इनिशियल पब्लिक ऑफर लोगों को मोटिवेट करता है कि भैया आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो, आप हमारी कंपनी के शेयर्स देखो, आप हमारी कंपनी के शेयर्स बाय करो। एक शेयर खरीद के आप कंपनी के ओनर बन सकते हो, यू कैन बी द ओनर ऑफ द कंपनी। तो हमारी यहाँ पे कोशिश रहती है कि हम कंपनी के शेयर्स खरीद के कंपनी में ओनरशिप स्टेक लेने लग जाए। चलिए, अब मैं आज आपको इसके अकाउंटिंग व्यूज देने वाला हूं, मैं आपको इसके थ्योरेटिकल व्यूज नहीं देने वाला हूं, अकाउंटिंग व्यूज कि अकाउंट्स में हम शेयर कैपिटल को किस तरह से लिखते हैं, कैसे परफॉर्म करेंगे, वो सब हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, हम शेयर को इशू 3 तरीके से कर सकते हैं। भैया शेयर्स को इशू करना मतलब लोगों के बीच में जाके शेयर्स को बेचना, राइट? कंपनी अपना प्रस्पेक्टस इशू करती है, जिससे लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि भैया आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो। अब शेयर्स कंपनी 3 तरह से इशू करती थी, राइट? सबसे पहला होता है एट पार, दूसरा होता है एट प्रीमियम, और तीसरा होता है एट डिस्काउंट। एट पार मतलब क्या होता है, देखो नॉर्मली कंपनी की शेयर्स की एक फेस वैल्यू होती है, जिसको हम नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। दिस फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू इज ₹10 और ₹100, राइट? हम कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 10 और 100, नॉर्मली ये होती है, बाकी 50 भी होती है, डजंट मैटर्स, बट नॉर्मली 10 या 100 रुपए होती है। तो अगर आपने अपने 100 रुपए के शेयर को 100 रुपए में इशू किया है, तो उसे कहा जाता है एट पार। अगर आपने अपने 100 रुपए के शेयर्स को 100 रुपए में इशू किया है, तो उसे कहा जाएगा एट पार। वही 100 रुपए के शेयर को अगर आप ज्यादा में इशू करोगे, तो उसे कहा जाता है एट प्रीमियम। और वही शेयर्स को अगर आप कम में इशू करोगे, तो उसे कहा जाता है डिस्काउंट।
सर शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड नहीं है बाय द अमेंडमेंट्स इन द कंपनीज एक्ट। हम अलाउड नहीं है कि हम शेयर्स को डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं, इसलिए ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये गया। पहले होते थे, बहुत पहले होते थे, आजकल इनकी बातें नहीं चलती है, इनको भूल जाओ। मतलब हमारे टॉपिक दो ही रहने वाले हैं, पहला होता है शेयर इशू एट पार और दूसरा होता है एट प्रीमियम। भैया 100 की चीज 100 में बेचोगे तो एट पार है, 100 की चीज 110 में बेचोगे तो एट प्रीमियम है। सबसे पहले बच्चों के मन में ये थॉट्स बहुत बार आता है कि सर 100 की चीज 110 में कौन बेचेगा और बेचेगा तो कौन खरीदेगा। सर प्रीमियम कंपनी का पैसा है, प्रीमियम कंपनी के नाम का पैसा है, प्रीमियम कंपनी के परफॉर्मेंस का पैसा है। आपको सुनने में हंसी आएगी, मजाक आएगा, बट अगर आप शेयर मार्केट को फॉलो करते हो तो 10-10 रुपए के फेस वैल्यू के शेयर्स की वैल्यू 400-400, 500-500, 5-5 हजार, 50-50 हजार तक भी होती है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि प्रीमियम पे कौन खरीदेगा। कंपनी जब छोटी थी तब फेस वैल्यू पे थी, कंपनी ग्रो हो रही है, कंपनी एक्सपैंड हो रही है, कंपनी ने बिजनेस बड़ा किया तो कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस बढ़ते रहते हैं। सो दैट इज द रीजन कंपनी अपने शेयर्स पे प्रीमियम देती है। सो प्रीमियम नॉर्मली कंपनी के गुडविल का रिजल्ट है, कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स का रिजल्ट है, कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस का रिजल्ट है। तो प्रीमियम लेना इट्स यूजुअल, हर कंपनी लेती है, राइट। सो अगर हमने ज्यादा में बेचा तो उसे कहा जाता है शेयर प्रीमियम, और अगर हमने कम में बेचा तो कहा जाता है शेयर डिस्काउंट, सेम टू सेम में बेचा तो कहा जाएगा शेयर पार। बट हम डिस्काउंट नहीं पढ़ेंगे, हम खाली एट पार पढ़ने वाले हैं और एट प्रीमियम पढ़ने वाले हमारे आगे के लेक्चर में, राइट। सो आप लोग ध्यान देते रहना, राइट। मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक ये चैप्टर नहीं होगा, और आप भी नहीं छोड़ेंगे, यहां फोकस करते रहेंगे खाली, ठीक है। चलिए अब आती है बात, शेयर्स को खरीदने को कहा जाता है शेयर्स को सब्सक्राइब करना। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो हम बोलते हैं भैया हमने उस कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, मतलब हमने उस कंपनी के शेयर्स को खरीदा है। शेयर सब्सक्राइब कैसे होता है, देखो हम हर कंपनी अलग अलग शेयर्स इशू करती है। देखो एक कंपनी का फुल कोटा होता है कि पूरी लाइफ टाइम में कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है, उसे कहा जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। उसे क्या कहा जाता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल पूरी लाइफ टाइम में कंपनी इशू करती है, तो कंपनी पूरा कैपिटल आज इशू नहीं करेगी, कंपनी उस कैपिटल का थोड़ा सा पार्ट इस बार इशू करती है, उसे कहा जाता है इश्यूड कैपिटल, राइट। तो मैंने अभी आपको दो टर्म्स बताए, सबसे पहले मैंने बताया ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में इशू करती है, और जिस उस पर्टिकुलर टोटल में से जो हिस्सा इस बार इशू किया जाता है उसे कहा जाता है इश्यूड कैपिटल। उसे क्या कहा जाएगा, इश्यूड कैपिटल। अब उस इश्यूड कैपिटल में से लोग जितना खरीदते हैं उसे कहा जाता है सब्सक्राइब कैपिटल। उसे कहा जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल कि लोगों ने कितना खरीदा। देखो अब सपोज करते हैं हमारी कंपनी ने इशू किया है 50,000 शेयर्स, हमारी कंपनी ने इशू किया है 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स इशू किए हैं। तीन सिचुएशन हो सकती है, पहला लोगों ने पूरा शेयर खरीद लिया, दैट इज फुल्ली सब्सक्राइब। दूसरा लोगों ने कम खरीदा, दैट इज अंडर सब्सक्राइब। तीसरा लोगों ने ज्यादा खरीदने की डिमांड रेस की, भैया हमें तो ज्यादा चाहिए, दैट इज ओवर सब्सक्राइब, राइट। मतलब अगर मैंने 50,000 शेयर इशू किए, लोगों ने पूरे 50,000 खरीद लिए तो उसे कहा जाता है फुल्ली सब्सक्राइब। लोगों ने कम खरीदे, भैया 45,000 ही खरीदे, तो उसे कहा जाता है अंडर सब्सक्राइब। और लोगों ने ज्यादा खरीदने की डिमांड रेस की है तो उसे कहा जाता है ओवर सब्सक्राइब। अब आप सोचोगे सर इन तीनों में से सबसे बढ़िया सिचुएशन कौन सी है, सर सब बढ़िया है, सब बढ़िया, अंडर सब्सक्राइब को छोड़ के, राइट। बट अंडर सब्सक्राइब इज आल्सो नॉट रॉन्ग। नई कंपनीज को शायद फुल सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है, बट उसके लिए आजकल प्रोविजंस होते हैं, वो लोग अंडररराइटर्स अपॉइंट करते हैं, राइट। सो वो बीएसटी वाले थियरी यहाँ पे यूज मत करना कि कंपनी के 90% शेयर्स इशू नहीं होंगे तो कंपनी को बंद करना पड़ेगा। नॉर्मली ऐसा आजकल नहीं होता है, क्योंकि हर कंपनी को कंपल्सरीली अंडररराइटर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, जो अगर शेयर्स मार्केट सब्सक्राइब नहीं करता है तो वो लोग खरीदते हैं, तो वैसा इश्यूज आजकल नहीं आता है, राइट। चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे। अब इसमें ऐसा होता है कि भैया अगर मैंने 50,000 शेयर्स इशू किए, लोगों ने पूरे 50,000 शेयर्स खरीद लिए, तो उसे कहा जाएगा फुल्ली सब्सक्राइब। बेस्ट सिचुएशन, मजा आ गया भैया, जितना बेचना था उतने बिक गए तो मजे हो गए, राइट। तो अगर 50,000 ही बेचना था, लोगों ने 50,000 खरीद लिए, इट्स द बेस्ट सिचुएशन, कोई टेंशन नहीं है। बट सपोज हमको इशू करना था 50,000 शेयर्स, हमने इशू किए 50,000 शेयर्स, बट लोगों ने सिर्फ 45,000 शेयर्स ही खरीदे, तो क्या करेंगे। सर एक काम करो, इस 50,000 को भूल जाओ, जितने शेयर्स बिके हैं उतने शेयर से ही काम चलाओ, राइट। कोई बात नहीं, 5,000 पे कम पैसा आया, हम 5,000 पे कम काम चलाएंगे। मैं अभी भी बता रहा हूँ,
प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, अकाउंट्स में ऐसा होगा, आपको वो करना पड़ेगा, मैं अकाउंट्स बता रहा हूं फिलहाल। तो अगर बाय चांस लोगों ने सिर्फ 45,000 शेयर्स खरीदे हैं, तो आपको अपना पूरा का पूरा कैलकुलेशन, आपको अपना पूरा का पूरा सम इस 45,000 शेयर्स की अमाउंट पे करना है, ना कि 50,000 शेयर्स की अमाउंट पे। अब जो मेन इंपॉर्टेंट कहानी वो ये है कि अगर लोगों ने ज्यादा शेयर्स खरीदे तो सबसे पहला बच्चे मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं, सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास 50,000 शेयर से लोगों ने 60,000 खरीद लिए? नहीं हो सकता, राइट? प्रैक्टिकली लगता है कि अगर मेरे पास 5 चॉकलेट है, मैं किसी को 6 कैसे दे सकता हूँ, राइट? बट ये ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कंपनीज में क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, लोगों को कहा जाता है कि भैया अगर आपको हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं आप हमें पैसा भेजो। अब पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो कंपनी उस टाइम ये नहीं गिनती कि कितना शेयर्स आया कितना नहीं आया, अच्छा हो गया बंद करो, नहीं, कंपनी पैसे लेती रहती, पहले लाओ जहां से आ रहा लाओ, हम पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, जहां से हमें मिल रहा हम कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे सब्सक्रिप्शन की डेट क्लोज होती है, अब हम विंडो क्लोज करते हैं, अब हम देखते हैं, गिनने बैठते हैं कि भैया कितना पैसा आया, तो पता चला अरे हमारे तो 50,000 शेयर्स थे, हमें तो 60,000 शेयर्स पे पैसे आ गए। आपको पता है ऑनेस्टली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, शेयर्स 100 टाइम्स तक सब्सक्राइब होते हैं, 200 टाइम्स तक सब्सक्राइब होते हैं, इतने बड़े बड़े शेयर्स होते हैं कि लोग एक शेयर के सामने 200 शेयर पे पैसा भी देते हैं। सो ये है, दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। ओके, सो अब अगर 50,000 शेयर के सामने मेरे पास तो 60,000 शेयर पे पैसे आ गए, अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता अच्छा ज्यादा पैसा आ गया कोई बात नहीं थोड़े शेयर ज्यादा छाप के दे देंगे, या वी विल यूज सम शेयर्स फ्रॉम आवर ऑथराइज्ड कैपिटल। नो, इट्स नॉट अलाउड। आपके जितने शेयर्स है उससे ज्यादा शेयर्स अब आप लोगों को इश्यू नहीं कर सकते हो। तो सर हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे दो बातें होगी। पहली बात यहाँ पे ऐसी होती है कि आप चाहो तो उन एक्स्ट्रा शेयर्स को रिफंड कर दो, जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला है 10,000 शेयर्स के ऊपर उसको आप रिफंड कर दो, या आप चाहो तो उन शेयर्स को अगले कॉल में एडजस्ट कर दो। आप चाहो तो उन शेयर्स को अगले कॉल में एडजस्ट कर दो। इसे कुछ स्कूल्स और कुछ किताबें प्रो राटा नाम से जानती है, दैट इज प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, प्रो राटा अलॉटमेंट। डिस्कस करेंगे आगे, आगे जाके सब सिखाऊंगा, राइट? सो यहाँ पे दो बातें हो सकती है कि आपको जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है आइदर आप उस पैसों को रिफंड कर दो वाया बैंक कि भैया सॉरी, रिग्रेट लेटर के साथ में कि आपने जो शेयर्स हमसे मांगे थे उतने शेयर्स हमारे पास नहीं है, तो हमने आपको थोड़े कम शेयर्स दिए हैं और बाकी के पैसे हमने आपको रिटर्न कर दिए। फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी कि आप चाहो तो उनको आगे के कॉल में एडजस्ट कर लो। अब आप सोचोगे सर ये कॉल क्या होता है, चलिए नीचे बढ़ते हैं। एक कंपनी को अपने शेयर्स को अलग अलग इंस्टॉलमेंट में मंगवाना अलाउड है। यहां ध्यान देते रहना, मैं हर चीज यहां पे आपके लिए अवेलेबल कर रहा हूं, ध्यान देते रहो खाली, राइट? सो एक कंपनी को अपने शेयर्स को इंस्टॉलमेंट में करना अलाउड है। इशू आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो, मतलब आप शेयर्स के पैसों को अलग अलग इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकते हो। ये इंस्टॉलमेंट मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, मिनिमम 1 हो सकता है। मतलब चाहो तो सिंगल इंस्टॉलमेंट, 100 रुपए का शेयर है पूरा साथ में भरो, दैट्स इट, चलेगा। 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, 4, 5 तक चलेगा, 6 इंस्टॉलमेंट्स नहीं चलेंगे। मतलब आप चाहो तो आप 5 इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवा सकते हैं। इन इंस्टॉलमेंट्स के नाम बड़े बढ़िया है। पहले इंस्टॉलमेंट को कहा जाता है एप्लीकेशन मनी, दूसरे को कहा जाता है अलॉटमेंट मनी, तीसरे को हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल, देन सेकेंड कॉल, एंड द लास्ट वन इज फाइनल कॉल। मतलब अगर मेरा शेयर 100 रुपए का होगा तो आई कैन कॉल इट लाइक दिस, एप्लीकेशन पे भैया 20 रुपीज भेजो, अलॉटमेंट पे 30 रुपीज भेजो, फर्स्ट कॉल में 20, सेकंड कॉल में 20 एंड फाइनल कॉल में 10, चलेगा, 100 रुपए हो गए, इट्स ओके एंड फाइन, डन, चलेगा, राइट? तो हम अपने पैसों को इंस्टॉलमेंट में मंगवाते हैं। अब क्या हुआ ऊपर वाले केस पे ध्यान दो, ऊपर वाले केस में हमें एडजस्ट करना है, मतलब हमें चाहिए थे, हमें मिल गए 60,000 शेयर के ऊपर, सामने वाला बंदा पहले सिर्फ एप्लीकेशन भेजता है, राइट? हमें मिले 60,000 शेयर के ऊपर 20 रुपए, मतलब हमें मिल गए 12,00,000 रुपए, जबकि हमको तो चाहिए थे सिर्फ 50,000 शेयर्स, क्योंकि मेरे पास शेयर्स तो 50,000 ही थे, तो मुझे तो चाहिए थे सिर्फ 50,000 शेयर के ऊपर 20 रुपए, मतलब मुझे चाहिए थे 10,00,000 रुपए, मतलब सर मेरे पास कितना एक्सेस फंड आ गया, 2,00,000 रुपए का। तो फर्स्ट सिचुएशन में तो हमने बैंक के थ्रू 2,00,000 रुपए को रिफंड कर दिया, बट सेकेंड सिचुएशन में हम इन 2,00,000 रुपए को अपने पास रखते हैं और हम अपने शेयरहोल्डर्स को बोलते हैं कि सर आपके 2,00,000 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा है, बट डरो ना, अगली बार जब हम आपसे अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएंगे तब आप हमें 2,00,000 रुपए कम देना। मतलब मैं अलॉटमेंट कितना मंगवाऊंगा, 50,000 शेयर के ऊपर 30 रुपए, जो कि होते हैं 15,00,000 रुपए, तो 15,00,000 की जगह आप मुझे 13,00,000 ही भेजना, क्योंकि आपके 2,00,000 मेरे पास ऑलरेडी जमा है। उसे कहा जाता है एडजस्ट करना, उसे उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा
एडजस्ट करना याद रहेगा। सो मैंने भी आपको सिखाया सब्सक्राइब कैपिटल और इश्यूड कैपिटल, और मैंने आपको बताया इंस्टॉलमेंट्स बेसिकली कितने होते हैं, इंस्टॉलमेंट्स किस तरह से मंगवा सकते हैं, मैक्सिमम 5, मिनिमम 1 इंस्टॉलमेंट, पांचों के नाम भी मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, और मैंने भी आपको प्रो राटा अलॉट करने के छोटा सा हिंट दिया है, ये पूरा डिटेल्ड वर्जन नहीं है। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहूंगा, कुछ सम्स करवाना चाहूंगा, क्योंकि खाली थ्योरी किसी काम के नहीं, एग्जाम में तो करना तो सम्स ही पड़ेगा। तो मैंने आपके लिए कुछ इलस्ट्रेशंस क्रिएट किए हैं, अभी से बता रहा हूं ये बड़े ही बेसिक इलस्ट्रेशंस है, राइट। एग्जाम में ऐसे वाले इलस्ट्रेशंस बहुत रेयरली आते हैं, एग्जाम्स में थोड़े से एडवांस जाएंगे, बट स्टार्ट तो बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो मैंने आपके लिए इलस्ट्रेशन स्टार्ट किया है, क्रिएट किया है। सबसे पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देयर इज अ पर्टिकुलर कंपनी नेम शेपर्स लिमिटेड, जिसने 50,000 शेयर्स इशू किए हैं, एक शेयर है भैया 10 रुपए का, 100 रुपए का सॉरी। तो हमने मनी इस तरह से मंगवाए हैं, पहले हमने मंगवाए 20 रुपीज, देन हमने मंगवाए 25 25 एंड देन 20 एंड 10, टोटल इज 100। चलो भैया टोटल सेट हो गया। अब हम शेयर्स को 100 रुपए के शेयर्स को 100 रुपए में इशू कर रहे हैं, मतलब एट पार। हमने 50,000 इशू किए, लोगों ने सारे के सारे शेयर्स खरीद लिए, ना ओवर ना अंडर, तो इसे कहा जाता है फुल्ली सब्सक्राइब, इसे कहा जाएगा फुल्ली सब्सक्राइब। अब आपको इसकी एंट्रीज पास करनी है, जनरेटिव में ध्यान देना और क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करना। 50,000 शेयर्स है, एक शेयर 100 रुपए का है, एप्लीकेशन पे 20, देन 25, देन 25, देन 20 एंड देन 10, राइट। हम इस तरह से पैसे मंगवाने वाले हैं, इतने में पूरा क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। चलो अब ये एंट्रीज कैसे होगी, देखो इसको एक स्टोरी की तरह याद करो, ये कैसे होता है, प्रोसीजर क्या होता है। जिस कंपनी को मार्केट में शेयर इशू करने होते हैं, वो कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में लोगों के सामने पहले लेके आता है, आइदर न्यूज़पेपर में आएगा, आइदर इंफॉर्मेशन मीडिया में इंफॉर्मेशन पहुंचती है, आइदर कंपनी का बंदा रिप्रेजेंटेटिव मीडिया में आता है और कंपनी को कंपनी के बारे में बताता है कि भैया हमारी ये फलाना फलाना कंपनी है, हमारी कंपनी आईपीओ लाने वाली है, शेयर इशू करने वाली है, तो अगर आप में से किसी को भी इंटरेस्ट हो आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। इतना बोल के वो बंदा चला जाएगा, आपको एक टाइम बार देता है कि 1 to 14 days में आपको खरीदना है, भाई 14 दिन का विंडो है, आपको 14 दिन में खरीदना है। वैसे विंडो इतना बड़ा नहीं होता, 2 से 3 दिन का विंडो होता है, भाई जिस जिसको शेयर्स खरीदना है, जिस जिसको आईपीओ भरना है, आप हमें पैसा भेजना चालू करो। आप पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, आपको भैया पूरे 100 रुपए नहीं देने फिलहाल, आप खाली मुझे एप्लीकेशन के 20 रुपीज दोगे तो भी चलेगा, यू हैव टू पे मी जस्ट 20 रुपीज फॉर द एप्लीकेशन, राइट। अब इतना बोल के वो बंदा चला गया, अब लोग पैसा भेजते हैं आपको, दुनिया जहां से पैसा आता है, राइट। बट हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन माना है कि भाई हमारे पूरे शेयर्स बिक रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी आपकी, सबसे पहली एंट्री होगी हमें बैंक से पैसा आ रहा है तो हम एंट्री करेंगे बैंक से पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। और ये पैसा देने वाले बहुत लोग हैं, हम सबका नाम नहीं लिखते हैं, हम उन सबके नाम को एक इमेजिन करो, आपने एक अकाउंट बना दिया, एक रजिस्टर बना दिया, आपने उन सबके नाम उस रजिस्टर में लिखे, भैया ए ने पैसा भेजा, बी ने पैसा भेजा, सी ने पैसा भेजा, और आप उन सारे रजिस्टर के नाम की एक एंट्री करोगे, दैट इज बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। आप कर दोगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, इस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर ही, शेयर एप्लीकेशन के रजिस्टर के अंदर सारे लोगों के नाम है जिन लोगों ने आपको एप्लीकेशन का पैसा दिया है। हमने माना है भैया फुली सब्सक्राइब्ड है, तो बैंक से हमें कितना पैसा मिलेगा, 50,000 शेयर के ऊपर 20 रुपीज, इतना हमें मिलने वाला है। सर ब्रैकेट्स लिखना बहुत जरूरी है, ब्रैकेट्स लिखना कंपलसरी है, ये आपके लिए वर्किंग नोट और आगे जाके बहुत काम के रहेंगे, तो ये अभी से हैबिट डाल लेना, ब्रैकेट लिखते रहो, राइट। सो बैंक से पैसा आएगा टू शेयर एप्लीकेशन, एंट्री बड़ी सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक बैलेंस कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, पीपल आर गिवर फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी, राइट। सो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन मनी हमारा पहला एंट्री हो जाएगा, टोटल अमाउंट आएगी डेबिट में भी 10 लाख और क्रेडिट में भी 10 लाख। अब यहाँ पे दो बातें हैं, आपको हर एंट्री के एंड में नरेशन भी लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ आप लिखते रहना, टाइम इतना मैं यहाँ पे डेडिकेट नहीं करूंगा, बड़ा ही सिंपल होता है, आपको आता है, आप 12th में हो, राइट। सो दूसरी बात, इधर शेयर एप्लीकेशन में आप कभी इक्विटी शेयर लिख सकते हो, कभी प्रेफरेंस शेयर लिख सकते हो, डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन क्या है। अगर आपको क्वेश्चन में कहा है कि कंपनी इज इशूइंग इक्विटी शेयर, तो यहाँ लिखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अगर कहा गया है कंपनी इज इशूइंग प्रेफरेंस शेयर तो लिखो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, और कुछ नहीं कहा है तो मेरी तरह शेयर एप्लीकेशन लिख के छोड़ दो। तो आपको वो भी डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको लिखना क्या है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या हुआ, लोगों ने पैसा भेजा, बैंक से मुझे पैसा मिला और इतने सारे लोगों ने भेजा, तो हमने एंट्री की बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अब हमारा काम होता है भैया जिन जिन लोगों ने पैसा दिया है उन्हें कैपिटल दो, तो हम अब शेयर एप्लीकेशन वालों को बंद करते हैं, हम उनको बोलेंगे कि आप अब हमारे क्रिएटर नहीं हो। क्यों नहीं हो, क्योंकि भैया आप तो ओनर बन गए हो, अब आपको हम शेयर कैपिटल में हिस्सा दे रहे हैं, राइट। वापस से ब्रैकेट लिखना मत भूलना कि 50,000 से
हमने उनको बंद किया, 50,000 शेयर्स वालों को 20 रुपीज से बंद किया और 10 लाख रुपए मैंने उनको कैपिटल में हिस्सा दे दिया। इसके साथ में मेरा एप्लीकेशन खत्म हुआ, एक एप्लीकेशन का कॉल आपका पूरा खत्म हो गया, राइट। अब होता है महीना दो महीना गया, कंपनी ने जितने पैसे आपने दिए थे वो खत्म हो गए, कंपनी के काम में लग गए, कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ी तो कंपनी आपको एक प्रेम पत्र लिखती है, मेरे प्यारे शेयर होल्डर्स, राइट, लव लेटर टाइप, राइट। माई डियर शेयर होल्डर्स, आप लोगों ने हमारी कंपनी में शेयर्स खरीदे थे, आप लोगों ने हमारी कंपनी के एप्लीकेशन दिए थे, अब वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है कि आपको अपना सेकेंड कॉल मतलब कि अलॉटमेंट का पैसा मुझे देना है। अलॉटमेंट है पर शेयर 25 रुपीज, भैया जिसके पास जितने शेयर है मल्टीप्लाई बाय 25 करके पैसा हमको भेजो, आपको ये पैसा कुछ डिफाइंड टाइम अमाउंट में हमें भेजना है, राइट। तो कंपनी ये नोटिस भेजती है और कंपनी नोटिस के साथ साथ उनको अश्योरेंस देती है कि मैं आपको कैपिटल में हिस्सा दे रही हूँ, आप टेंशन मत लो, आप पैसा भेजो। तो जिस दिन कंपनी नोटिस भेजती है उस दिन कंपनी सबको एंट्री करेगी इस तरह से, बोलेगी कि भैया शेयर अलॉटमेंट के लिए आप सब लोग मेरे डेटर्स हो, शेयर अलॉटमेंट के लिए आप सब लोग मेरे डेटर्स हो, क्योंकि मैं आपसे 50,000 शेयर्स पे 25 रुपीज मांगती हूँ, कंपनी इज थ्रिलिंग, मांगती हूँ, राइट। सो मैं आपसे 50,000 शेयर्स पे 25 रुपीज मांगती हूँ, और क्यों मांगती हूँ, क्योंकि मैं तो आपको शेयर कैपिटल में पहले से हिस्सा दे रही हूँ, मतलब 50,000 शेयर के ऊपर 25 का मैंने आपको हिस्सा दे दिया, विच इज लवली 12.5 लाख, राइट। अमाउंट आप लिखते रहना, मैं ब्रैकेट लिखने में ध्यान दूंगा ज्यादा, ओके। सो अब अलॉटमेंट के लिए मैंने नोटिस दिया, अब लोग मुझे पैसा भेजेंगे। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं, कि सब आदमी सब लोगों ने हमें पैसा दिया है, तो हमारी फोर्थ एंट्री होगी, बैंक से पैसा आया, बैंक अकाउंट से हमको पैसा मिलेगा, पूरे पैसे हमें मिल रहे हैं 50,000 शेयर के ऊपर 25 रुपीज, 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट बंद हो जाएगा क्योंकि अब आप लोग मेरे डेटर नहीं रहे, आपने मुझे पूरा पैसा भेज दिया है तो अब आप मेरे डेटर नहीं हो, मतलब मुझे मेरा पूरा पैसा मिल गया है। इसके साथ अलॉटमेंट का भी घड़ी खत्म, ओके, अलॉटमेंट भी खत्म हो गया। अब आगे के कॉल बहुत इजी होते हैं। अब हम सपोज करो नेक्स्ट 2-3 महीने और गए, 6 महीने गए, कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ी तो कंपनी ने अब की बार मंगवाया फर्स्ट कॉल, वापस से सेम प्रोसीजर, कंपनी आपको प्रेम पत्र भेजेगी, माय डियर शेयर होल्डर्स, राइट। अब आपको हमें फर्स्ट कॉल का पैसा भेजना है, विच इज 25 रुपीज अगेन, राइट। एंट्री सेम होने वाली है, नो चेंज इन द एंट्री, आपको वापस से करना पड़ेगा एग्जाम में, बट मैं आपको शॉर्टकट से बता दूंगा। सेम एंट्री है, यहाँ पे लिखना शेयर अलॉटमेंट की जगह यहाँ लिखोगे शेयर फर्स्ट कॉल, तो लिखोगे आप शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, जो अमाउंट होगी वो अमाउंट, और बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेम। वैसे ही सेकेंड कॉल की भी एंट्री सेम होने वाली है, शेयर सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर सेकेंड कॉल। फाइनल कॉल की भी एंट्री सेम, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, सेम टू सेम एंट्री करनी है। खाली फर्स्ट और सेकेंड एंट्री में डिफरेंस होता है, बाकी की सारी एंट्री कॉपी पेस्ट है, क्योंकि हर बार प्रोसेस सेम है, नोटिस देना पैसा मंगवाना, नोटिस देना पैसा मंगवाना, इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट। सो इस तरह से हमारा बेसिक शेयर कैपिटल स्टार्ट होता है, राइट। कभी कभार एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, कभी कभार कंपनी क्या करती है, कुछ पैसों को मंगवाती नहीं है, एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ, सुनते रहने, एग्जाम में 1 मार्क भी पूछ सकते हैं, राइट। सो कभी कभार कंपनी क्या करती है कि कुछ पैसा मंगवाती ही नहीं है, नहीं मंगवाती है, मतलब सपोज ऐसा कि भाई हमारे टोटल शेयर कैपिटल था 100 रुपए का, हमने एप्लीकेशन 20 मंगवाया, अलॉटमेंट 25 मंगवाया, फर्स्ट कॉल 25 मंगवाया, सेकेंड कॉल 20 मंगवाया, अभी 90 रुपए 90 रुपीज हुआ है, 10 रुपए अभी भी पेंडिंग है, बट मुझे लग रहा है कि मुझे इस 10 रुपए की जरूरत नहीं है, मुझे जितना पैसा चाहिए, कंपनी अच्छे से चल रही है, आई डोंट नीड दैट 10 रुपीज, तो कंपनी उस 10 रुपीज को मंगवाती ही नहीं है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोलती है कि भैया आपके 90 रुपए में हमारा काम हो गया, हम अच्छा कमाने लग गए हैं, हम आपसे वो 10 रुपीज मंगवाने वाले ही नहीं है। तो ऐसे पैसों को, ऐसे अमाउंट को कहा जाता है रिजर्व कैपिटल, ऐसे अमाउंट को कहा जाता है रिजर्व कैपिटल। दिस अमाउंट कैन बी कॉल्ड ओनली ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होगी तो ही आप ये पैसा मंगवा सकते हो, वरना इस पैसे को मंगवाने की जरूरत नहीं है, उसे कहा जाता है रिजर्व कैपिटल। क्या कहा जाएगा? रिजर्व कैपिटल। बड़ा ही सिंपल है, और ध्यान रखना हम इन दो टर्म्स में कंफ्यूज होंगे आगे जाके, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व आर डिफरेंट। पहला टर्म था कैपिटल रिजर्व, वो अलग होता है, राइट, और अभी मैंने जो आपको बताया रिजर्व कैपिटल, वो अलग होता है। रिजर्व कैपिटल इज द अमाउंट जो एक कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में नहीं मंगवाने वाली है,
उसे कहा जाएगा रिजर्व कैपिटल, जबकि कैपिटल रिजर्व इज अ पर्टिकुलर रिजर्व जहां पे हम अपने कैपिटल प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते हैं, जहां पे कैपिटल प्रॉफिट्स को ट्रांसफर किया जाता है, रखा जाता है। तो दे बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, डोंट गेट कंफ्यूज। एग्जाम में अगर रिजर्व कैपिटल पूछेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा रिजर्व कैपिटल इज अ पर्टिकुलर कैपिटल विच कंपनी इज नॉट गोइंग टू कॉल ड्यूरिंग द होल लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, एंड दैट पर्टिकुलर अमाउंट कैन ओनली बी कॉल्ड ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। उसके सिवाय हम वो पैसा मंगवाते नहीं है। दिस इज रिजर्व कैपिटल। So, ये मैंने बीच में आपको ज्ञान की बात दे दी है। मैं हमेशा मेरे लेक्चर में बीच में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करता हूँ, और ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा हुआ भी है रिजर्व कैपिटल क्या होता है। बच्चों ने बड़े कांड किए और सब लोग कैपिटल रिजर्व लिख के आए थे, इसलिए मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रिजर्व कैपिटल इज डिफरेंट थिंग। एग्जाम में गड़बड़ी मत करना, राइट इनफ। चलिए, सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बड़े ही सिंपल तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश किया है। आप लोग बच्चा लोग आराम से पॉज करते 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 देखना, आराम से समझना। आई एम डैम श्योर कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं आए तो प्लीज मुझे कमेंट में लिखते रहना, मैं आपको फिर से हेल्प करने पहुंच जाऊंगा, राइट। चलिए एक सम और सॉल्व करते हैं। अभी हमने जो सम देखा था दैट वाज एट पार, हमने शेयर्स को पार में इशू किया था। अब की बार हम शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, मतलब हम शेयर्स को हमारी फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू कर रहे हैं, राइट। दो बातें यहां पे, प्रीमियम पे इशू करना हर कंपनी के बस का होता है, डिपेंड करता है कंपनी की गुडविल कितनी है। और दूसरी बात, प्रीमियम पे इशू अगर हमने किया है और हमें नहीं कहा कि प्रीमियम हम कौन से कॉल पे मंगवा रहे हैं, तो प्रीमियम बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट पे होता है। कहाँ होता है प्रीमियम? बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट पे होता है। तो ध्यान रखते रहना, एग्जाम में गड़बड़ी होगी, और जब जब गड़बड़ी होगी आपको मेरी याद आएगी कि मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि प्रीमियम कहाँ है तो वो बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट पे होगा। इस क्वेश्चन में तो भैया मैंने मेंशन किया है कि अलॉटमेंट पे ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो आपको जोर नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगेन शेपर्स लिमिटेड इज इशूइंग 1 लाख शेयर्स, तो चलो मैं इसको शॉर्ट में लिखता रहता हूं। मेरी यूजुअल हैबिट है कि क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते लिखो, जिससे मुझे क्वेश्चन याद हो जाए, राइट। सो 1 लाख शेयर्स है, एक शेयर ₹10 का है और उस पर हम ₹2 प्रीमियम मंगवा रहे हैं। हम मनी मंगवा रहे एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे 5 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 3+2 हो गया, और बैलेंस जो बच गया ₹4 वो हम मंगवाने वाले हैं फाइनल कॉल पे, ठीक ठाक है। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगेन यहाँ पे कुछ नहीं कहा है तो आप समझ लेना कि भैया हमारे शेयर्स फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। वैसे ऊपर मैंने लिखा है, एग्जाम में आपको मेंशन करेंगे, टेंशन मत लेना। सो हमने 1 लाख शेयर इशू किए, लोगों ने पूरे 1 लाख खरीद लिए ₹2 प्रीमियम के साथ में। एंट्री करना स्टार्ट करूंगा। पहली एंट्री सेम होती है जो हमेशा होती रही थी, बैंक से पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक से पैसा आने वाले एप्लीकेशन के लिए। ब्रैकेट्स आर टू इंपॉर्टेंट, तो आप लिखना मत भूलना। 1 लाख शेयर्स के ऊपर ₹3, दैट इज 3 लाख, 3 लाख, सिंपल वन। सेकेंड, अब मैं शेयर एप्लीकेशन को क्लोज करने वाला हूं। मैंने शेयर एप्लीकेशन को क्लोज किया और इन लोगों को मैंने शेयर कैपिटल में हिस्सा दे दिया। अगेन सेम अमाउंट, 1 लाख शेयर्स के ऊपर ₹3, एंड दैट वुड बी अगेन 3 लाख और 3 लाख। इसके बाद वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हमने सम बनाया है, दैट इज फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम। सेकेंड एंट्री मेरी होने वाली है, थर्ड एंट्री मेरी होने वाली है, मैं अलॉटमेंट मंगवाने वाला हूं। अब की बार भैया मैं शेयर अलॉटमेंट पे मंगवाने वाला हूं 1 लाख शेयर्स के ऊपर ₹5। जैसे ही मैंने बोले भैया 1 लाख पे ₹5, शेयरहोल्डर्स ने पूछा किस बात के ₹5, मैंने कहा इस बात के। ध्यान देना, हम मंगवा रहे हैं ₹5, जिसमें से शेयर कैपिटल के लिए हम मंगवा रहे हैं 1 लाख शेयर्स के ऊपर ₹3, और जो ₹2 एक्स्ट्रा है दैट इज फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो ₹2 है सिक्योरिटीज प्रीमियम के, दैट इज 1 लाख शेयर के ऊपर ₹2। मतलब टोटल कितना हो जाएगा, हम मंगवाने वाले हैं टोटल 5 लाख, जिसमें से 3 लाख है हमारे कैपिटल के सामने और 2 लाख है हमारा प्रीमियम के सामने। याद रहेगा सबको, 3 लाख है कैपिटल के सामने और 2 लाख है प्रीमियम के सामने, ओके है। सो बड़ा ही सिंपल सा हो गया यहाँ पे। अब आगे की एंट्री सब सेम, बैंक से पैसा मिलेगा तो सेम एंट्री आ जाएगी, बैंक से पैसा मिला, दिस इज एंट्री नंबर 4 टू शेयर अलॉटमेंट। हम अभी भी वापस से मान रहे हैं कि हमें पूरा पैसा मिल रहा है, हमारा एक भी शेयर होल्डर हमें पैसा नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है। तो हमें बैंक से मिला 5 लाख और हमारा अलॉटमेंट भी 5 लाख से बंद हो जाएगा, राइट। फाइनल कॉल, वेरी सिंपल वन, अगेन चलो कर देता हूं इस बार एंट्री फाइनल कॉल की भी। सो नेक्स्ट एंट्री होती है, हम फाइनल कॉल मंगवाने वाले हैं, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं फाइनल कॉल कितना मंगवाने वाला हूं, मैं मंगवाने वाला हूं 1 लाख शेयर के ऊपर ₹4, राइट। मतलब मैं मंगवाने वाला हूं ₹4 लाख, और वापस से मुझे पैसे मिलेंगे, तो मेरी एंट्री हो जाएगी बैंक से पैसा आया
और शेयर फाइनल कॉल अब ड्यू नहीं रहा तो शेयर फाइनल कॉल को बंद कर दो। अगेन अमाउंट सेम है, ब्रैकेट लिखना मत भूलना, ब्रैकेट आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेंगे, दैट इज 4 लाख एंड 4 लाख। क्या बात है, बड़ा ही सिंपल सा बेसिक सा समय आपके लिए, बहुत बेसिक सा समय, राइट, याद रहेगा। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था सिक्योरिटीज प्रीमियम, हमेशा ध्यान रखना, अगेन एक इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा ध्यान रखना कि सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा कैपिटल के साथ ही आएगा, जहां कैपिटल होगा वही प्रीमियम आने वाला, उसके सिवाय कहीं पे भी प्रीमियम आएगा नहीं, आपको मैं गारंटी से बता रहा हूं। एक बार अगर आपने पूरा शेयर कैपिटल देख लिया, आप जिंदगी भर दो चीजें कभी नहीं भूलोगे, एक तो शेयर कैपिटल और दूसरा मेरा नाम, दो चीज आप कभी नहीं भूलने वाले, आपको हमेशा याद रहेगा कि मैंने सिखाया था, और आपको अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर याद रहेगा, इट्स वेरी सिंपल वन, वेरी बेसिक वन। चलिए एक लास्ट सम और मैंने प्रिपेयर किया है, इस वीडियो के लिए इतना ही करेंगे, बट लास्ट सम वापस से थोड़ा सा अच्छा है तो ध्यान देना, क्योंकि लास्ट सम एक नए टॉपिक के बारे में है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है अबाउट अंडर सब्सक्रिप्शन, राइट, मतलब हमने जितने शेयर्स इशू किए, लोगों ने पूरे शेयर्स नहीं खरीदे भैया, लोगों ने कम खरीदा, लोगों ने पूरे शेयर्स पे पैसे नहीं दिए। तो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था, वापस पीछे जाके सुन लेना याद नहीं हो तो, कि अगर जब कभी भी अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो जितने शेयर्स मिले हैं उतने से काम चलाओ, ओरिजिनल शेयर्स को भूल जाओ। तो पढ़ते क्वेश्चन क्या है, हमें कहा गया है हमारे पास 60,000 शेयर्स है, एक शेयर पे हम मंगवाने वाले हैं 10 रुपीज, और जिसपे प्रीमियम भी है 5 रुपए, क्या बात है, हमें एप्लीकेशन में मिल रहा है 4, अलॉटमेंट पे 4, और ध्यान देना, एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 4, फाइनल कॉल पे 2, टोटल 10 रुपीज हुआ। प्रीमियम कहाँ है हमें नहीं कहा है, तो मैंने आपको बताया है बाय डिफॉल्ट प्रीमियम हमेशा हमेशा अलॉटमेंट पे रहने वाला है, बाय डिफॉल्ट किस पे रहेगा, अलॉटमेंट पे, ध्यान देना। अगर कुछ नहीं कहा है तो अलॉटमेंट पे प्रीमियम प्लस कर दो, मतलब 5 रुपए पूरे के पूरे अलॉटमेंट पे और फाइनल कॉल 2 रुपए, राइट। अब हमने 60,000 शेयर इशू किए बट हमें पैसा मिला है 55,000 शेयर्स पे ही, तो सर इस 60,000 को भूल जाओ, पूरा का पूरा सम आपको 55,000 शेयर्स पे ही करना है, बड़ा ही सिंपल सा काम है, 60,000 को भूल ही जाओ, आप पूरा सम 55,000 शेयर्स पे ही करोगे। अब आपके लिए इजी है, थोड़ा सा बता देता हूं, जल्दी जल्दी 2 मिनट लगेगा खाली। पहली एंट्री हो जाएगी, बैंक से पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, 55,000 शेयर्स पे हमें पैसा मिल रहा है, इंटू 4, 2 शेयर एप्लीकेशन, अगेन शेयर एप्लीकेशन क्लोज होगा तो हमने शेयर एप्लीकेशन को क्लोज किया, और 2 शेयर अलॉटमेंट। बच्चा लोग मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, मुझे चलेगा, दो बातें हैं, पहली बात मेरा 12th हो गया है, और दूसरी बात मुझे थोड़ा टाइम बचाना है आप लोगों का, फालतू पूरा लिखने में मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं, राइट। बट आप लोग एग्जाम में पूरा लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, इधर डेबिट भी आपको लिखना है, शेयर एप्लीकेशन पूरा लिखना है, 2 शेयर अलॉटमेंट पूरा लिखना है, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ बातों में, 2 शेयर कैपिटल, राइट, आपको पूरा लिखना है, शॉर्टकट्स आपको यूज करने नहीं है, ओके। सो यहाँ आ जाएगा 50,000 इंटू 4 पे आपका एप्लीकेशन क्लोज हो गया। हम अलॉटमेंट मंगवाएंगे, पहले भी हमने किया है, हम मंगवाने वाले शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट पे हम मंगवाने वाले हैं 55,000 शेयर्स के ऊपर 9 रुपए, किस बात के, तो भैया शेयर कैपिटल के है इसमें कुछ पैसे, कितने पैसे कैपिटल के है, 55,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए कैपिटल के, और बाकी ऊपर का अमाउंट दैट इज फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट इज 55,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए, ठीक ठाक है। वापस से बैंक से पैसा मिलेगा तो हम यहाँ पे करने वाले हैं, हमें बैंक से पूरा पैसा मिल रहा है, तो बैंक 2 शेयर अलॉटमेंट एंड हमें पूरा पैसा मिलेगा 55,000 शेयर्स के ऊपर 9 रुपीज, ठीक है। फाइनल कॉल आप लोग कर लोगे, सेम एंट्री होगी, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 55,000 शेयर्स पे 2 रुपए, और बैंक टू शेयर फाइनल कॉल अगेन सेम पर। सो मैंने आज आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा बेसिक सिखा दिया है, अब आपको ऑनेस्टली शेयर कैपिटल का इनिशियल पार्ट पूरा आता है, राइट, आपको स्टार्टिंग करने में बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ेगा, बट ये खत्म नहीं हुआ है चैप्टर। आप लोग अपने बुक के इनिशियल इलस्ट्रेशन चालू कर सकते हो, स्टार्टिंग इलस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हो, स्टार्टिंग इलस्ट्रेशन में आपको बिल्कुल जोर नहीं पड़ना है, बट आगे के इलस्ट्रेशन के लिए आपको मेरा सेकंड वीडियो 100% देखना पड़ेगा। उसमें मैं आपको कॉल्स इन अरियर सिखाऊंगा, मैं आपको कॉल्स इन एडवांस सिखाऊंगा, मैं आपको प्रो राटा सिखाऊंगा, जो मेन क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपके लिए बेसिक ABCD है, एक बेसिक छोटा सा इनिशियल बिगिनिंग रहेगा चैप्टर, राइट। सो ये खत्म नहीं है, ये स्टार्टिंग है, इसके बाद का वीडियो मैं आपके लिए वापस से डालने वाला हूं, एंड दैट वुड बी फॉर एडवांस लेवल, राइट इनफ।
आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप यू एंजॉयड इट। आप में से अगर किसी को कुछ भी नया टॉपिक सीखना हो या आप चाहते हो कि इसके बाद में कोई एक टॉपिक मैं और ज्यादा डिटेल में बताऊं, तो जरूर से इस वीडियो के कमेंट में आप लिखो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 100% वो टॉपिक को और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जरूर बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा। आगे मिलेंगे वापस से। थैंक यू फॉर द डे।